24 का चुनाव तो अभी एक साल दूर है और जो सेंट्रल मिनिस्टर हैं वो तो आज से एक साल पहले भी आ रहे थे। ऐसा नहीं है कि एकाएक शुरू किया है उन्होंने, ये तो मोदी जी का स्पेशल इंस्ट्रक्शन है सारे सेंट्रल मिनिस्टर को कि आपको महीना में एक सेंट्रल मिनिस्टर को किसी न किसी नॉर्थ ईस्ट स्टेट और सिक्किम को विजिट करना है। उसी के तहत डॉक्टर सुभाष सरकार आए, डॉक्टर ये अपने पीयूष गोयल जी आए और इसी तरह करके बहुत सारे मिनिस्टर जो हैं कंटिन्यूएशन में आ रहे हैं, क्योंकि ये मोदी सरकार का ये इंस्ट्रक्शन है कि नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट और सिक्किम हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो वहाँ जाकर हम कैसे यूथ एम्पावरमेंट करें, वहाँ डेवलपमेंट करें, इसी के लिए वो दौरा चलता है। बहुत दिनों से चल रहा है, ऐसा नहीं कहा जाए। अभी आपने अपने भाषण के दौरान जो पाइप गैस नेचुरल गैस पाइपलाइन भारत सरकार सिक्किम में ला रही है, जिससे कि यहाँ के लोगों को जो LPG से भी उसका सुपर क्वालिटी होता है नेचुरल गैस का, और डायरेक्ट वो पाइप से गैंगटॉक पहुँच जाएगा। 900 करोड़ का टेंडर हुआ है और मैंने जैसा बताया कि वो टेंडर ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट भी ले लिया है और एक सप्ताह के अंदर वो काम शुरू हो जाएगा, और शुरू होने के बाद सिक्किम को डायरेक्ट वहाँ से जहाँ से फैक्ट्री होगा नेचुरल गैस डायरेक्ट सिक्किम पहुँच जाएगा। उससे दो फायदा होगा कि कभी मान लीजिए लैंडस्लाइड होता है, मौसम ख़राब होता है, तो कभी कभी तीन दिन चार दिन बहुत सारी चीज़ आने में लेट हो जाते हैं। अब क्या है कि डायरेक्ट गैस पाइपलाइन रहेगा तो सीधा नेचुरल गैस गैंगटॉक मिल जाएगा, और ये बहुत बड़ा तोहफा भारत सरकार का है और ये 900 करोड़ का प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। जब ये प्रोजेक्ट आएगा तो लोगों को काफ़ी रोज़गार भी मिलेगा, एक सप्ताह के बाद उनको जो है जो काम चलेगा तो सिक्किम के लोग ही उसमें काम करेंगे। सर, ये जो अभी सिक्किम में आपने भाषण में बताया कि जैसे पॉलिटिकल मुद्दे हैं, यहाँ के जो राजनीतिक मुद्दे हैं उनको भी संबोधित किया जाएगा, और जितने भी अब असेंबली में जो पारित हुआ है जो वित्त विधेयक 2023 में जो 4 और 5 क्लास को ऐड किया हुआ है उसको हटाने के लिए मांग भी किया गया है, और इसको अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसे लेकर केंद्र में कोई बात हुई है या नहीं, और ये कैसे रिमूव करना संभव? नहीं, लेटेस्ट तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन जैक के लोग और गवर्नमेंट के लोगों ने सेंट्रल तक इस बात को पहुंचाया है कि क्लॉज 4 और 5 का गलत मीनिंग ना निकल जाए। वैसे वो फाइनेंस बिल में है, फाइनेंस बिल का मतलब ही होता है कि दैट इज़ ओनली फॉर द इनकम टैक्स पर्पस, लेकिन अब या तो इस लाइन को जोड़ दिया जाए कि क्लॉज 4-5 का जो इंक्लूजन पार्लियामेंट में हुआ है ओनली फॉर द इनकम टैक्स पर्पस, तो उसका क्या रास्ता होगा टेक्निकल, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जब रखेंगे तो हम लोग देखेंगे। सर, गठबंधन को लेकर आपने एक मिनट, यो जो अघि तपाईँले क्लॉज 4 र 5 भन्नुभयो नि, यो विषय लिएर मैले अस्ति एसेम्ब्लीमा पनि कुरा राखेको थिएँ र मैले सबैलाई विन्ती गरेको छु एसेम्ब्लीमा कि यो क्लॉज 4 र 5 हगि यसमा 371F डाइल्युट भएको छ र सिक्किम इज डेफिनेसन पनि एक्सपेन्ड भएको छ र हामी पोलिटिकल पार्टीदेखि माथि उठेर सिक्किमलाई बचाउने काम गर्नुपर्छ र सिक्किमलाई बचाउनु हुन्छ हामी 32 एमएलए जानुपर्छ दिल्ली भनेको थिएँ मैले। यसको फलस्वरूप एउटा रेजुलेसन पनि पास भएको छ र एउटा कमिटी बनाएको छ, हामी सबैलाई विन्ती गर्ने र बिजेपीबाट पनि जति हुनसक्छ यो 4 र 5 हटाउनै पर्छ हगि, र हामी भारत सरकारलाई पनि अस्ति भनिसकेको छु, अस्ति मेरो जुन दिल्लीको भ्रमणमा मैले भारत सरकारलाई पनि चढाइसकेको छु कागज, र आउँदो दिनमा हिजो नड्डाजीकोमा पनि मैले यो टकिङ पोइन्ट्समा यो हालेको छु, फर्स्टमै हालेको छु फाइनेन्स बिल 2023 यसको लागि हामी के गर्नुपर्छ, कति माथि उठेर काम गर्नुपर्छ, हामी गर्नेछौँ। थ्याङ्क यू। जैसे अमित शाह जी ने बोला था, जो गृहमंत्री, उन्होंने बोला था कि जो बिजनेस करते हैं उनको टैक्स देना ही चाहिए, फिर भी जैसे सिक्किम में बिजनेस जो कम्युनिटी बिजनेस करते हैं उनको ही इनकम टैक्स में एग्जेंप्शन दे दिया, उनको इनकम टैक्स में छूट दे दिया गया। देखिए वो बताते हैं, इसमें देश को या राज्य को घाटा नहीं हो सकता। मैं बताता हूँ, इसमें सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसला पर टिप्पणी नहीं किया जा सकता है। अगर किसी को एग्जेंप्शन मिलता है तो उससे आपको हमको क्या दिक्कत है? हाँ, अगर 371F को कहीं पर आपको कोई प्रॉब्लम होता हो तब उस पर हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर बात करें। ठीक है सर, विभिन्न रेजोल्यूशंस भी हमने आज यहाँ पे देखे, जो जोंगू से भी 2-3 रेजोल्यूशंस आए, तो उन रेजोल्यूशंस को आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आप लोग बात कर रहे हैं डेवलपमेंट के बारे में, हाइड्रल प्रोजेक्ट के बारे में, पर हाइड्रल प्रोजेक्ट को रोकने के लिए एक रेजोल्यूशन भी आज यहाँ पे आपको समर्पित किया है, तो देखिए है क्या बताता हूँ, सभी चीज़ का कोई ना कोई प्रॉस एंड कॉन्स होता है, कुछ निगेटिव होता है कुछ पॉजिटिव, तो जो निगेटिव होगा हम देखेंगे, जो पॉजिटिव है वो रहेगा।
सर गठबंधन को लेकर आपने आखिरी में एक स्टेटमेंट बताया था कि रहे या ना रहे, तो ये क्या ना, मैंने ये नहीं कहा ना, ना ये तो मैंने नहीं कहा कि रहे ना रहे, मैंने तो कुछ नहीं गठबंधन पर तो कुछ नहीं मैंने बोला है। आज तो हम 9 ईयर सेलिब्रेशन कर रहे हैं सेवा सुशासन और गरीब कल्याण, तो आज तो सिर्फ उस पर बात की, हमारे किसी नेता ने गठबंधन पर सरकार पर किसी पर कोई कमेंट और किसी तरह की बात नहीं की है, इसलिए आप हमको फंसाने का प्रयास मत कीजिए। आपने लास्ट में कहा था कि गठबंधन के अच्छा काम अच्छा इज्जत दोगे तो हम भी मिलके चलेंगे। नहीं ये भी मैंने नहीं कहा, नहीं नहीं आप लोग वर्ड को मत जोड़िए, हमने उससे कुछ भी बात नहीं कहा। मैंने कहा कि गठबंधन की सरकार अच्छा काम करती है तो हम अलायंस को ये करते हैं। अच्छा सर, गवर्नमेंट के टेम्परेरी एम्प्लॉयज़ को 3 साल में रेगुलर करने का आपका फार्मूला क्या है? मैंने बताया आपको कि जो यूथ को जब जॉब मिलता है तो हम गवर्नमेंट को धन्यवाद देते हैं कि कम से कम आपको यूथ को तो जॉब दिया, नहीं तो घर बैठे होते तो वो डिप्रेशन में रहते, तो कम से कम डिप्रेशन तो उनका समाप्त हुआ। लेकिन जब वो जॉब में जाते हैं और 1 साल 2 साल 3 साल होता है तो घर वाले सोसाइटी वाले गांव वाले सब बोलते हैं भाई कितना पैसा मिलता है, वाइफ भी पूछती है बच्चे भी पूछते हैं कितना पैसा मिलता है, तो सोशल रेस्पेक्ट नहीं रहता है। 10,000 15,000 20,000 बताने में भी और घर परिवार भी अच्छा नहीं चलता है, तो एक तरह से एक्सप्लॉयट हो जाते हैं वो और उनका फ्रस्ट्रेशन होता है डिप्रेशन होता है। तो मैंने इसलिए कहा कि 3 साल में जब कोई 3 साल पूरा कर ले तो उनको जो है उस टेम्प्रोरी जॉब को परमानेंट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी गतिबद्ध है, और अगर हम सरकार में आते हैं तो हम इस फ्रस्ट्रेशन को डिप्रेशन को यूथ को झेलने नहीं देंगे। सर ये काम तो आप अभी भी कर सकते हैं क्योंकि गठबंधन का सरकार है, ये तो ऐसा ये फॉर्मूला को अभी इंप्लीमेंट मैं बताता हूँ। ये सवाल जो आप कर रहे हैं कि अभी सरकार में हम हैं अभी कर सकते हैं, तो इसका जवाब मैं नहीं देना चाहता हूँ क्योंकि जो सरकार है वो अभी जॉब दे रही है, इसलिए अभी उस पर वो चीज़ भी वो रोक दे तो इस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहता। सर अभी पार्टी के अंदर भी विभाजन कोई पार्टी के अंदर विवाद नहीं है, कोई विभाजन नहीं है। आपने देखा कि आज हमारे 11 MLA यहाँ थे, DT लेपचा साहब तो छोड़ के ओल्ड एज के कारण बीमार हैं, मैं उनसे मिला भी, तो इसलिए कहीं कुछ भी नहीं है, ये सब लोगों के मन में है सिर्फ। सर दिखने को तो मीडिया से ज़्यादा किसको दिखता है, अभी कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था एक सेट ऑफ विधायकों ने और DR थापा सर को कितना ऑपोजिशन होता है। नहीं मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, छितेन तासी भुटिया साहब गार्जियन की तरह ही इज पेरेंट्स, तो उन्होंने हमें जोड़ने के लिए ही कहा ये बात कि भाई सबको रहना चाहिए, लेकिन एक डिस्ट्रिक्ट का ये का हमारा उद्घाटन था, कोई ज़रूरी नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट के ऑफिस के उद्घाटन में सारे पार्टी के लोग पूरा स्टेट कर रहे हैं। हाँ पूरे स्टेट का अगर मीटिंग हो पार्टी का तब उसमें दे आर सपोज टू कि सभी प्रेजेंट रहे, तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग था और कुछ भी नहीं था। डिस्ट्रिक्ट का ऑफिस था तो इस डिस्ट्रिक्ट के अगल बगल के विधायक को रहना था, नेताओं को रहना था, अब नॉर्थ के लोग यहाँ पर आकर के उस डिस्ट्रिक्ट के ये में, तो ये हाँ आज हमारा स्टेट वाइज ये था मीटिंग था, तो इसमें सभी MLA को रहना था, सभी थे। सर पिछली बार आपने रामपुर में जो भाषण दिया था उसमें आपने थोड़ा अटैकिंग मूड में स्टेट का क्या चाहते हैं कि अटैकिंग मूड में हम रहें जी, नहीं इस बार आपने जो दिया पूरा संतुलित भाषण मैं था, आज तो आप में ये चेंजेस क्यों आ गए? मैं आज नहीं मैं सेलिब्रेशन कर रहा हूँ। जब किसी के घर में सेलिब्रेशन होता है, आप बर्थडे मनाते हैं, आप मैरिज डे मनाते हैं, आप घर में कोई सेलिब्रेशन करते हैं, तो सेलिब्रेशन में और कोई बात नहीं की जाती है। आज तो मेरा था कि सेवा सुशासन और गरीब कल्याण 9 ईयर्स मोदी जी गवर्नमेंट के बारे में बताना था, इसलिए आज सेलिब्रेशन में कोई दूसरी बात नहीं होती है।